अमेठी के स्कूल में बच्चियों ने दिया धरना, स्कूल के सामने जमकर किया प्रदर्शन, स्कूल के कर्मचारी ने की छेड़खानी, छेड़खानी के खिलाफ सड़क पर उतरी छात्राएं। अमेठी में स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां स्कूल के गेट पर प्रदर्शन कर रही थी। जिस वक्त उन्हें क्लास में होना चाहिए था उस वक्त वो सभी कार्रवाई की मांग कर रही थी। टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक सब परेशान थे, उन्हें क्लास में जाने को कह रहे थे, लेकिन वो गुस्से में थी। उन्हें क्लास नहीं न्याय चाहिए था। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चियों के साथ ऐसा क्या हो गया जो उन्हें इस तरह प्रदर्शन करना पड़ा। तो आपको बता दें कि इनकी दोस्त के साथ स्कूल में छेड़खानी हुई है और आरोपी शिकायत के बाद भी इनके सामने हंसता हुआ घूम रहा था। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। इस वक्त अमेठी का एक स्कूल सवालों से घिर गया है। यहां के 3 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है, 1 को गिरफ्तार तो वहीं 2 को बर्खास्त किया गया है। आखिर मामला था ही ऐसा, यहां स्कूल में ही एक बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था और यह आरोप किसी बाहर के आदमी या लड़के पर नहीं बल्कि स्कूल में काम करने वाले रसोइये विक्रम पर लगा था। जानकारी के मुताबिक इस स्कूल का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इंटर कॉलेज है। ये गौरीगंज के असैदापुर में मौजूद है। बताया जा रहा है कि बीते दिन यहाँ कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक बच्ची की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल भेजना पड़ा। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही विक्रम ने बच्ची से छेड़खानी की। स्कूल में शिकायत की गई लेकिन इस पर स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और फिर बच्चियों ने अपना ये रूप दिखाया। बच्चियां स्कूल के मेन गेट के पास गईं और वहां जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पीड़ित बच्ची की तहरीर पर गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और स्कूल में बच्चियों से मिलने खुद पुलिस भी पहुंची। बच्चियों ने पुलिस से सारी शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जब पूरी तरह से बच्चियों को आश्वस्त किया कि वो आरोपी पर एक्शन लेंगे तब जाकर कहीं बच्चियां क्लास में गईं और मामला शांत हुआ। लेकिन ये मामला इतने पर ही नहीं थमा, शहर के जिलाधिकारी ने भी इस पर संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने तत्काल रूप से प्रधानाचार्य मंजुलता सिंह और प्रवक्ता डॉक्टर लाल जी की संविदा सेवा वहीं समाप्त कर दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अब आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है, जिससे बच्चियां काफी खुश हैं। वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि अभी भी उनके सुनने वाले लोग मौजूद हैं। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।